कन्नी कापातनु। ऑलराइट, वेरी गुड सर। विश्वास, हौसला, हिम्मत, होश और जोश, ये पंच महाशक्तियां हम आवाज के हर कैडेट्स में होती हैं। हम आवाज सर्वदा सजग, सर्वदा उत्साही। कि जल से ही पल है और पल से ही श्वास है और श्वास से जीवन है। जो बोले चलो, जाओ दौड़ो, क्योंकि बिल्डिंग में रुक जाते हैं ना। दौड़ो, चलो एंड तक, वो पेड़ जो है। हाँ जाओ दौड़ो, हाथ ऊपर। आओ, वाह अंगा, वाह अंगा अंगा अंगा। जय हिंद। ये सब आर्मी में जाने वाले मेरे साथी हैं, सब कैडेट्स हैं। देखिए, आप लोगों में से कौन आर्मी में जाना चाहता है? कौन? मस्ती नहीं, कौन आर्मी में जाना चाहता है आप में से? कोई नहीं। क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? क्या बनना चाहते हैं आप? बैट बॉल खेलना चाहते हैं? क्रिकेटर। आप क्या बनना चाहते हैं? सब क्रिकेटर। अच्छा, तो क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्डवर्क। और जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। तो क्रिकेट को भी सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना होगा। ऐसे खेलते रहने से क्रिकेट नहीं आएगी, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, आपको कौन सी ऐसी चीज़ अगर ना मिले तो हम मर सकते हैं? पानी। काना तो फिर भी छोड़ दो, पानी। काना तो फिर भी छोड़ दो, पानी ज़्यादा ज़रूरी है। पानी आप कितना इस्तेमाल करते हैं डेली, मालूम है? अच्छा, किस किस के घर में या टॉयलेट्स में पानी टपकता रहता है? देखा है ना, होता है, बहुत सारे घरों में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तो हम सबकी क्या ड्यूटी है? पानी बचाना। हम पानी कम से कम उतना इस्तेमाल करें जितना हमारी ज़रूरत है। अगर हम तमिल में इसको बोलेंगे कि पानी बचाना है, तो कैसे बोलेंगे? कौन बोलेगा तमिल में बोलकर बताओ? हमें पानी बचाना चाहिए। तन्नी सेवपन। इंग्लिश नहीं, तमिल। तमिल मालूम है, इंग्लिश। तमिल में कैसे बोलेंगे? हमें पानी बचाना चाहिए, बोलो। तन्नी कापत्रु। एक इंसान बोलो क्या? तन्नी कापत्नु। तन्नी कापत्नु। ऑलराइट, वेरी गुड। सो तन्नी कापत्नु। अगर हम सब पानी बचाएंगे तभी हम जीवित रह सकेंगे, तभी हमारा जीवन स्वस्थ होगा। ठीक है, अब जरा एक साथ बोलेंगे ये वाले लोग। चलो अब जोश से सब बोलेंगे आप लोग के साथ में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की। जय हिंद। ये मेरे साथ कैडेट्स हैं, देखिए। वेरी नाइस मीटिंग यू। एक बहुत ही जनरल नॉर्मल सोशल बात पूछता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जल, पानी, उसके बिना ज़िंदगी है? हवा के बिना ज़िंदगी है? जल और पानी आपको शुद्ध किसको देना चाहिए, किसको प्रोवाइड करना चाहिए आपको? कौन जल प्रोवाइड करता है आपको? नेचर। बट नेचर आपके घर में नहीं देती। आपके घर में कौन देता है? ऑफिस में कौन देता है? गवर्नमेंट, बीएमसी, बीएमसी। तो शुद्ध जल और शुद्ध हवा उनको हमें देनी चाहिए। क्या हमें शुद्ध जल और हवा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। और क्या आप कभी जल को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बस एक ही काम आज से याद रखो, आपको एक को हम अपना चैनल सब्सक्राइब करवा देंगे, बाकी आप सबको करवा देना। ये आपका वीडियो भी आएगा, उसमें पूरे देश में जाएगा, नहीं पूरे विश्व में जाएगा। हमारा देश सब देशों से 75% दुनिया के लोग हफ्ते में एक या दो बार नहा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी है। सो हमें आज से ही पानी बचाना है। एक्चुअली हमें आज से 30 साल पहले पानी बचाना शुरू कर देना चाहिए था। अभी भी देखो, मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, और मुंबई के बाहर जो महाराष्ट्र के और जगह हैं, छोटे शहर हैं, गाँव हैं, पानी की बड़ी समस्या है। मुंबई में आपको पूरा पानी मिलता है, खुलकर पानी मिलता है, लाइट मिलती है, लेकिन पानी शुद्ध और हवा शुद्ध मिले इसके लिए एक नागरिक होने के नाते आपको कुछ करना है। हम क्या कर रहे हैं वो हमारे आपको चैनल से पता चलेगा। तो एक साथ मेरे साथ वादा करेंगे, बोलिए, हम सभी वादा करते हैं, अपने स्तर पर जल बचाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, जल बचाओ, क्योंकि जल से ही पल है और पल से ही श्वास है और श्वास से जीवन है। जो बोले सो निहाल।